हेलो एवरीवन, वन क्वेश्चन वन कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2024 और जो अपना वो चल रहा था करंट अफेयर वाला, उसी को सीरीज़ को आगे बढ़ा के मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। तो आज हमारा डे है 35 डे। डे है हमारा आज 35। थोड़ा सा फ़ोन हैंग हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, टाटा पावर पावर सोलर हैज़ लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट। तो टाटा पावर सोलर ने अभी लॉन्च करा घर घर सोलर इनिशिएटिव, कौन से स्टेट के अंदर? यूपी के अंदर। देखो एमपी की जो कैपिटल है भोपाल है, यूपी की लखनऊ है, राजस्थान की क्या है जयपुर है, कर्नाटक की आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे देखें तो देखो यूपी यूपी को जो आपको दिख रहा है, ये यूपी का मैप है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला। और यूपी के बारे में देख लेते हैं, यूपी की कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। इसका जो लैंड एरिया वो है 243,286। बिफोर इसको सबसे पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था 1937 से लेकर 1950 तक। इसके अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट है और 18 डिवीज़न में डिवाइड कर रखा उनको। एलिवेशन मतलब कितना ऊँचा है। यहाँ पर जो फ्लावर है पलास का है और जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी उत्तर प्रदेश की। देखो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले हमारे चीफ मिनिस्टर रहे थे उनका नाम क्या है? उनका नाम गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। जो जिस टाइम पर ये यहाँ पर रहे थे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ही था, फर्स्टली चीफ मिनिस्टर इनकी बनाया गया था, ये उनका फोटो है। जो यहाँ पर पहली गवर्नर रही थी उनका नाम है सरोजनी नायडू, ठीक है। 1948 के टाइम पर ये अटैक, इन्हें हार्ट अटैक आ गया था राजभवन के अंदर, ठीक है, एक्सपायर हुई थी जब। और अभी जो प्रेजेंट में हम सीएम की बात करें तो वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक। यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट में जो कि हैं प्रेजेंट उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, इनका नाम है आनंदी भाई पटेल, ठीक है। आनंदी भाई पटेल पूरा नाम ये है इनका। और ये अभी प्रेजेंट में 20 नंबर की हैं। और कुछ देख लेते हैं, देखो ये पेपर के अंदर आता है, धम्म एक स्तूपा और सारनाथ वेयर द गौतम बुद्ध फर्स्ट टॉट द धम्म। इन्होंने कुछ प्रवचन दिए थे, उसको बोलते हैं तीन प्रवचन दिए थे धम्म वगैरह वाले। बुद्धिस्ट संघ केम टू द एग्जिस्टिंग द एनलाइटमेंट मिली थी। ये यहाँ पर एक उनका नेशनल पार्क है यूपी का, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, ये पेपर में 100% आते हैं। जो हमने टाटा की बात की, थोड़ा टाटा के बारे में जान लेते हैं। टाटा फाउंड हुआ था 1886 के अंदर, 156 साल हो चुके हैं। इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा जी, इसके हेडक्वार्टर बम्बई के अंदर। एक क्वेश्चन जो 2022 के अंदर आया था किसमें, एमटीएस के अंदर, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 के अंदर, ठीक है, जमशेदपुर में टिस्को है। इसका फुल फॉर्म का नाम क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ओके। इसके जो फाउंडर हैं जमशेद जी टाटा, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में। आगे बढ़ें, टाटा ग्रुप इन अ बिजनेस एम्पायर, तो उनकी बहुत सारी जैसे जैगवार हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है, और फास्टैग वगैरह गाड़ियों में टाटा टी वगैरह भी आती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में इनका बिजनेस फैला पड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा ये हम मैंने 5 यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी तैयार होते रहे। यानी वन क्वेश्चन लेकर करेंगे हम, उससे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और लास्ट में जो 5 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर वाले होया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन ऑनर विद द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड, जो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडर अवार्ड कमेटी। तो 15वीं लीडरशिप कमेटी के अंदर जो अवार्ड दिया गया बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट को, वो है महाराष्ट्र। आगे बढ़ें, देखो 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी ने चेयर करा था किसको? जस्टिस पी शांति सत शिवम को, जिन्होंने महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड दिया था, ठीक है। 2024 के अंदर महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी विल बी रिसीव द अवार्ड, उन्होंने रिसीव करा है 10 जुलाई के अंदर, ठीक है। और रिकॉग्नाइज इनोवेटिव कल्चर पॉलिसी, कई सारी और चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, बैम्बू मिशन के बारे में, एक्सटेंसिव इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री है रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी क्या? पब्लिक, इसकी फुल फॉर्म परी की
पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, परी के फूलों में पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द 2024 एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप, 2024 के एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप जो कि रियाद के अंदर, रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था, जिसको जीता है ध्रुव सितवाला ने, ठीक है। आगे बढ़े, वेयर इज़ द एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024, कहाँ पर हुआ है ये, जोहर मलेशिया के अंदर एक जोहर जगह है वहाँ पर हुआ है। आगे विंजा विज हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड कहाँ पर है ये, केरला के अंदर है। ये ऐसे नाम जरूर आते हैं ताकि हमें हमें लगे कोई बाहर कंट्री का नाम है, तो केरला का नाम है ये, केरला के अंदर इंटरनेशनल सी पोर्ट है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें, एंड थैंक यू दोस्तों।